हेलो फ्रेंड्स, तो देखो आजर ये क्लास रे आम पढ़ा मैथ्र आउ गोटे न्यू चैप्टर दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर माने कौन? स्क्वायर माने हूँ वर्ग एवं स्क्वायर रूट माने कौन? स्क्वायर रूट माने हूँ वर्ग मूल। ठीक अच्छे, सो आज आम चैप्टर पढ़ा तो कौन वर्ग एवं वर्ग मूल चैप्टर को पढ़ा। ठीक अच्छे, एंड यहाँ हूँ गोटे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, कहीं देखो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आसे। जदि से क्वेश्चन आप सॉल्व कर दूसरी देन इजिली आप बिना भूल हबार आपने मार्क पाइपर। एंड बहुत ही सिंपल चैप्टरटा, ए कौन से फर्मूला आप मन रखार ना, कौन से जिनस आप मन रखार ना। ओके, बहुत ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन करार अच्छे, एनसर काढ़ सो यार मुझे ट्रिक्स भी कहबी जो थी कि आप दी सेकेंड रे स्क्वायर भी काढ़ी पारे, स्क्वायर रूट भी काढ़ी पारे। सो आज लेक्चर रे फर्स्ट लेक्चर हम जो थी कि आम स्क्वायर फाइंड कर सीखा। ओके, एंड स्क्वायर रो ट्रिक्स देखा। ठीक अच्छे, केमती आम ट्रिक्स को यूज करके स्क्वायर को आम इजिली फाइंड कर पारे। ठीक, तो सिमिलरली स्क्वायर रूट पाई भी देखा, तापर कि आम क्वेश्चन करवा जो गुड़ाक कि प्रीवियस ईयर आसी। ठीक अच्छे, सो चलो तो आज लेक्चर को ताले स्टार्ट करवा। सो फर्स्ट आसो आम कौन? फर्स्ट आसो आम स्क्वायर। स्क्वायर माने कौन? स्क्वायर माने मुझे वर्ग। वर्ग आम क्या कहीतु देखूँ, जिते बड़े गोटे संख्या को सही संख्या द्वारा मल्टीप्लाई करा जाए, कौन करा जाए? गोटे संख्या को सही संख्या द्वारा मल्टीप्लाई करा जाए, सेतेबेले आमे पाई थाउ कौन? तार वर्ग पाई थाउ। जेमती सपोज करंतु ए होची गोटे संख्या, सो ए को जेतेबेले आमे ए सहित तो मल्टीप्लाई करिबा तो सेतेबेले आमको कौन मिलिबो? ए रो वर्ग मिलिबो, जहाँ को आमे कही परिबा कौन? ए स्क्वायर कही परिबा। कौन कही परिबा? ए स्क्वायर कही परिबा। एवं ए स्क्वायर को आमे मैथमेटिकली केमती लिखि थाउ? ए उपरे 2 लिखि थाउ, दैट मीन्स ए रो पावर होची 2। बुझी आसला कि नहीं? सो स्क्वायर माने कौन होता है? स्क्वायर माने होची गोटे संख्या को सही संख्या द्वारा मल्टीप्लाई करिबा को बा गुणन करिबा को कहा जाए कौन? स्क्वायर कहा जाए। तो आई थिंक आपण मानको स्क्वायर रो मीनिंग बुझी आसतबो। स्क्वायर माने होची कौन? गोटे संख्या को सही संख्या द्वारा मल्टीप्लाई करिबा को कहा जाए कौन? स्क्वायर कहा जाए। तो यार जदि आम उदाहरण देखा, दैट इज एग्जांपल जदि आम देखा, एग्जांपल कौन आसो देखु। सपोज करूँ मुझे कहली कि 5 रो स्क्वायर, सो 5 रो स्क्वायर कौन हो? 5 इंटु 5 हो कि नहीं? 5 इंटु 5 हो, सो दैट मीन्स मुझे 5 रो स्क्वायर दैट इज 5 रो पावर 2। एंड यार वैल्यू केते आसो? यार वैल्यू आसो 25। सो या को आपण माने 5 रो पावर 2 लिखंतु किंबा 5 इंटु 5 लिखंतु किंबा 25 लिखंतु, जहाँ भी लिखंतु तीनटा जाकर वैल्यू होची समान, तीनटा जाक होचंती 5 रो स्क्वायर। तो सेम टू सेम जदि मु एठो कहबी कि सपोज करंतु 3 रो स्क्वायर, तो 3 रो स्क्वायर को आमे कोन लिख परबा? 3 रो पावर 2 लिखि परबा, किंबा ए जिनसोट को आमे 3 इंटु 3 लिखि परबा, किंबा 3 इंटु 3 को आम कौन लिख पार 9 लिखि पार। तो 9 होने कौन? 9 हो 3 रो स्क्वायर। बुझी आसला कि नहीं? तो सेम टू सेम जदि मुझे कहबी कि सपोज करूँ 10 आम पाखे गोटे संख्या अच्छे, सो 10 रो स्क्वायर आमको दरकार, सो या मैंने कौन हो? 10 गुणन 10 करवा। ठीक अच्छे, 10 रो स्क्वायर मैंने कौन? 10 को 10 सहित गुणन करने को कह 10 रो स्क्वायर, सो यार वैल्यू के 10 इंटु 10 100। बुझी आसला कि नहीं? सो स्क्वायर माने ताहले आमे बुझीगले कौन ना गोटे संख्या को सही संख्या द्वारा मल्टीप्लाई करबा को स्क्वायर कहा जाए। सो वर्तमान कथा आसी कि आमे ताहले स्क्वायर फाइंड केमती करबा। सपोज करंतु मु कहली कि 5 रो स्क्वायर 25, 3 रो स्क्वायर 9, 10 रो स्क्वायर 100। सेम टू सेम मु कहबी कि सपोज करंतु 15 रो स्क्वायर, 15 रो स्क्वायर केते हेते? 225 हेते। ठीक ना नहीं? सेम टू सेम मुझे सपोज करूँ 24 रो स्क्वायर, 24 रो स्क्वायर के 576 आसता है। तापर मु कहली सपोज करूँ 30 रो स्क्वायर, 30 रो स्क्वायर के 30 रो स्क्वायर हो 900। 32 रो स्क्वायर के 32 रो स्क्वायर हो 1024। तो एमती जितेबाला नंबरटा सपोज करूँ बढ़ी बढ़ी किना जीव, से आमको मल्टीप्लाय करवाटा भी डिफिकल्ट हो। जमी आम ये देखुं कौन 5 रो स्क्वायर, तो 5 इंटु 5 आम जानते पणिके जानते इजिली कहीदे, बट मुझे कहली कि 24 रो स्क्वायर, तो 24 रो स्क्वायर कौन हो? 24 इंटु 24 आमको कौन कराया पड़ो? या मल्टीप्लाय करने पड़ो। सो मल्टीप्लाय करवा टाइम आसो कौन आम डिफिकल्टीज आसो,
जिते बड़ नंबर दिया सेते अधिक आमको डिफिकल्टीज फेस करने को मल्टीप्लिकेशन केस रे। सपोज करूँ मुझे ये कहली 98 रो स्क्वायर ताने कौन हो 98 इंटू 98 ठीक ना नहीं, तो ये आमको 98 को 98 सहित तो मल्टीप्लाई करने को पड़ो। सो यही जिनस गुड़ा को आमको कौन करने को पड़ो, जदि मल्टीप्लिकेसन आम न करी स्क्वायर फाइंड करने चाहूँ ताल आम इजिली फाइंड कर देखो। से ट्रिक रही कौन ट्रिक रही, सो ट्रिकटा को जवा पूर्व आमको कौन करने को पड़ो, किटा स्क्वायर आमको मन रखा पड़ो ठीक अच्छे। सो आम यही क्लास रे स्क्वायर फाइंड कर शिखा, दैट इज वन रू नहीं कि 100 जाए कि ठीक अच्छे। वन रू 100 भितर आमको जेकोसी गोटे संख्या दे दिया जाऊ तो सही संख्यार आम इजिली स्क्वायर फाइंड करपर विदिन 2 सेकेंड्स ठीक अच्छे। एंड एतिक्रे आपर एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व हो जहाँ भी क्वेश्चन दबो सेटा वन रू नहीं कि 100 भितर ही दबो, ताठारू बड़ संख्या दिएनि कहीं बहुत बड़ तापर आपर कैलकुलेशन हो जाए। सो एटी जदि आम तेल देखा देखो आमको फर्स्ट ऑफ़ ऑल कौन मन रखा पड़ो बा कौन आमको जानिया को पड़ो स्क्वायर रो ट्रिकटा शिखा पूर्वर ठीक अच्छे। सो ये तेल मुझे कि आमको कौन मन रखा पड़ो, दैट इज रिमेम्बर आमको कौन करने को पड़ो बुझी आसुच्छी कि नहीं। सो आमको वन रू नहीं कि 25 रो स्क्वायर पर्यंत आमको मन रखा पड़ो ठीक अच्छे। बहुत सिंपल जिनस रही वन रू नहीं कि 25 रो स्क्वायर, सो वन रू नहीं कि 10 एक रू नहीं कि 10 भितर तो समस्त जानते हैं। आमको शिखा को कौटा पड़ो, आमको शिखा को पड़ो 11 रू नहीं कि 25 पर्यंत ठीक अच्छे। सो से 15टा संख्या अच्छे, सो 15टा स्क्वायर रो आम इजिली स्क्वायर को कौन कर मन रखिपर मन यहीं रखा देखो। मन न रखिले भी क्वेश्चन सॉल्व हो, बट जदि आम मन रखुं तेल आम 2 सेकेंड्स भितर क्वेश्चन टाक सल्व करपर ठीक। तो ये मुझे स्क्वायर गुड़ाक लिखिदेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वन रो स्क्वायर, वन रो स्क्वायर के वन होता है। सेकेंड हूँ टू रो स्क्वायर, टू रो स्क्वायर के फोर हो। थर्ड हूँ थ्री रो स्क्वायर, थ्री रो स्क्वायर के आसो थ्री रो स्क्वायर आसो नाइन। नेक्स्ट आसो फोर रो स्क्वायर, फोर रो स्क्वायर के 16। फाइव रो स्क्वायर, फाइव रो स्क्वायर के 25। नेक्स्ट सिक्स रो स्क्वायर, सिक्स रो स्क्वायर के आसो 36 आसो। तापर आसो सेवेन, सेवेन रो स्क्वायर के 49। बुझी आसे कि नहीं, तो सेवेन रो स्क्वायर के 49 हो गला। नेक्स्ट हूँ एट, एट रो स्क्वायर के 8 रो स्क्वायर हो 64। नेक्स्ट हूँ नाइन रो स्क्वायर, नाइन रो स्क्वायर हूँ 81। नेक्स्ट हूँ टेन रो स्क्वायर, टेन रो स्क्वायर हूँ 100। तो 100 जाए तो आम समस्ते जानते एक रू नहीं कि 10 वर्ग आम समस्ते काढ़ी जानते। तापर नेक्स्ट जिनस आसूँ आपण मर कौन नेक्स्ट आसूस 11 रू आस ठीक अच्छे। सो एतिक्रु आमको मन रखा पड़ो, बहुत जन एमती थे जहाँ कि 11 रू भी नहीं कि 20 पर्यंत आपण मर स्क्वायर गुड़ाक मन थी जो गुड़ाक कि आम हाईस्कल टाइम रे ही मन करदे थो ठीक अच्छे। 11 रो स्क्वायर के 11 रो स्क्वायर हो 121। तापर आसो 12 रो स्क्वायर, 12 रो स्क्वायर आसो के 144, 144। 13 रो स्क्वायर, 13 रो स्क्वायर के 13 रो स्क्वायर हो 169। तापर आसो 14 रो स्क्वायर, 14 रो स्क्वायर के 196। नेक्स्ट आसो 15, 15 रो स्क्वायर के 15 रो स्क्वायर हो 225, 225। तापर आसो 16, 16 रो स्क्वायर के 256 ठीक अच्छे। 16 रो स्क्वायर के 256। तापर आसो 17, 17 रो स्क्वायर के 289, के 289। तापर आसो 18, 18 रो स्क्वायर के 18 रो स्क्वायर हो 324। नेक्स्ट हूँ 19, 19, 19 रो स्क्वायर के 19 रो स्क्वायर हो 361, 361। तापर नेक्स्ट हूँ 20, 20 माने 20 रो स्क्वायर के 20 गुणन 20 हो 400 बुझी आसला। सो आम ये देखिले कौन 20 रो स्क्वायर पर्यंत देखिले। तापर नेक्स्ट आमको आउ 5टा स्क्वायर मन रखा पड़ो, सेटा हूँ 21 रू नहीं कि 25। 21 रो स्क्वायर हूँ के 21 रो स्क्वायर हूँ 441। नेक्स्ट हूँ 22 रो स्क्वायर, दैट इज 484। तापर हूँ 23 रो स्क्वायर, 23 रो स्क्वायर हूँ 529। 24 रो स्क्वायर मुझे बर्तमान कही 576। तापर हूँ 25 रो स्क्वायर, दैट इज 25 गुणन 25 के 625।
सो एतिकी स्क्वायर आमको मने रखाक पड़ो बाकी आमको आउ कौनसी स्क्वायर मने रखा दरकार नहीं सेटा आमे ट्रिक माध्यम रे बाहर करी पारिबा ठीक अच्छे बट एतिकी जिनस आमको मने रखाक पड़ो जाद्वारा कि आमे इजिली क्वेश्चन टा सॉल्व करि परबा पुणी थरे मु रिपीट कर दउची जाद्वारा कि आपन मन मने रही जइबो जिनस को देखंतु 1 रो स्क्वायर होची 1 2 रो स्क्वायर होची 4 3 रो स्क्वायर 9 4 रो स्क्वायर होची 16 तापर 5 रो स्क्वायर होची 25 6 रो स्क्वायर होची 36 7 रो स्क्वायर होची 49 8 रो स्क्वायर होची 64 9 रो स्क्वायर होची 81 10 रो स्क्वायर होची 100 बुझी आसला 10 जाय कंप्लीट हे गला तापर नेक्स्ट होची 11 11 रो स्क्वायर होची 121 12 रो स्क्वायर होची 144 13 रो स्क्वायर होची 169 14 रो स्क्वायर होची 196 15 रो स्क्वायर होची 225 16 रो स्क्वायर होची 256 17 रो स्क्वायर होची 289 18 रो स्क्वायर होची 324 19 रो स्क्वायर होची 381 एवं 26 सॉरी 20 रो स्क्वायर होची केते 400 बुझी आसिला सो एठी हमरो 20 जाई केना कंप्लीट हे गला तापर नेक्स्ट होची कोन नेक्स्ट होची 21 21 रो स्क्वायर होची 441 22 रो स्क्वायर होची 484 23 रो स्क्वायर होची 529 24 रो स्क्वायर होची 576 एंड 25 रो स्क्वायर होची 625 सो एति की जेंसो हमकू मने रखिया को पड़िबो सो आई थिंक आपण मनकर किछि किछि फॉर्म मींस स्क्वायर गुडा को मने रहि जाइतबो ओके एंड किछि जो गुडा को मने रहिनी से गुडा को क्लास एंड हेला बेलू आपण मनकर मने रही जीव काईक ना आम बहुत सारा वर्तमान प्रॉब्लम को भी सॉल्व करिबा ठीक तो एतिक जिनस आपण मनकर रिमेम्बर मने रखे को पड़िबो वर्तमान आम कौन देखिबा वर्तमान आम देखिबा 25 रो नहीं कि बाकी जो गुड़ाक रहिला 100 जाए कि 75 नंबर्स तार आम कमी स्क्वायर फाइंड करिबा ठीक अच्छे सो याकु आमे तीनटा पार्ट रे सिखिबा 25 रु नै कि 100 जाय कि संख्या गुडा को जो रहिछि ताकु आमे तीनटा पार्ट रे डिवाइड करिबा तीनटा पार्ट रे कोन डिवाइड करिबा फर्स्ट होछि 25 रु नै कि 50 सेकंड पार्ट होछि 50 रु नै कि सॉरी 50 रु नै कि 75 तापरे थर्ड पार्ट होछि 75 रु नै कि 100 बुझि आसिले कि नै तो 25 रु नै कि 50 भीतर जते भी संख्या थिबो समान को हमें फर्स्ट कैटेगरी रो रखिबा तापर 50 रु नै कि 75 जाई जहां भी रहिबो सेडा को हमें सेकंड कैटेगरी रो रखिबा तापर 75 रु नै कि 100 भीतर जते भी संख्या रहिबो सेडा को हमें थर्ड कैटेगरी रो रखिबा एंड हमें 1 बाय 1 यारो ट्रिक्स से सिखिबा ओके देखो फर्स्ट हमें सिखिबा कहारो ना 25 रु नै कि 50 भीतर जते भी संख्या थिबे ठीक अछि सो एटी मु लिखि दउ छी ताहले स्क्वायर्स स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स ठीक अछि सेइ सब संख्या मानकर वर्ग आमे बाहर करबा जो गुडा को कि 25 रु नै कि 50 भितरे थिबे का भितरे थिबे 25 रु नै कि 50 भितरे थिबे तो वर्तमान देखंतु आमे जे कोनोसी गोटे सपोज करंतु मु एग्जांपल पई नउ छी सपोज करंतु मु नेली एठी 48 बुझी आसला केते नेली 48 सो 48 रो आमे कोन करिबा स्क्वायर काढिबा ठीक अछि 48 रो आमे स्क्वायर काढिबा सो 48 रो स्क्वायर केते हिजबो 48 इनटू 48 फर्स्ट ऑफ ऑल मु मल्टीप्लाई करिके देखौ छी केते आछी तापर मु ट्रिक रे बतेबी जहा दरे कि आमे कंपेयर करि परबा कि हमरो आंसर त ठीक आछी ना भूल आछी जहा दरे कि आपन माने जानि परबे कि ट्रिक त काम करु छी ना करुनी ओके देखो 48 रो जदि आमे स्क्वायर काढिबा ताले केते आसीबो 48 इनटू 48 मल्टीप्लाई करले केते आसीबो 8 इनटू 8 हिजबो 64 64 रो 4 6 हात को गला सो 8 चक 32 32 6 हे गला 38 एंड एठी हिजबो 8 चक 32 रो 2 हात को गला 3 16 3 19 4 8 2 10 रो 0 हात को गला 1 9 3 12 केते रो 0 सॉरी 13 रो 3 हात को गला 1 सो 2304 तो यार स्क्वायर केते आसला ताले 2304 सो आमे इटे केमती काढिले आमे इटा मल्टीप्लाई करकी काढिले वर्तमान आमे ट्रिक माध्यम रे देखिबा ठीक अछि सो ट्रिक माध्यम रे केमती देखिबा देखंतु आमुकू कहिछि कोन 48 रो स्क्वायर तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमे देखिबा कि ए जो संख्याटा रहिछि 48 48 टा 50 रो कम अछि ना बेसी अछि देखंतु 50 रो कम अछि काहेकि ना आमे 25 रो नै कि 50 भीतर संख्या गुडा को
काढ़ मैंने सब संख्या गुड़ाक कौन थे 50 रु छोट थे तो आम देखा कि 48 टा 50 रु के कम अच्छी 50 रु के कम अच्छी ठीक अच्छे 50 रु के कम अच्छी तो देखो 48 टा 50 रु के कम टू कम कि नहीं टू कम आम जाचे टू कम ठीक अच्छे 50 रु जदि आम 48 को माइनस करवा के आसो टू आसो कि नहीं टू आसो ता मैंने आम देखिले कौन ये जो 48 टा अच्छे ये 50 रु के कम अच्छी टू कम अच्छी तो आमे वर्तमान कौन करवा ये जो टू टा रही ये टू टा को आम क्या ठारू माइनस करवा ना 25 रु माइनस करवा क्या ठारू माइनस करवा 25 रु माइनस करवा सो 25 माइनस टू कर दिंतु 25 माइनस टू करदे के 23 आसूस बुझी आसला कि नहीं के आसला 23 आसला तापर ये जो टू टा रहा ये टू रो स्क्वायर कर दिंतु टू रो स्क्वायर के टू रो स्क्वायर हो जाए 4 सो ये आम 4 न लिखिकी आमको दुईटा डिजिट लिखा पड़ मानने दुईटा अंक लिखा पड़ सो से आम कौन करवा खाली 4 न लिखिकी ता आगे गोटे शून लगेद आम ये लिखा 04 बुझी आसला कि नहीं तो एठी ताहले आम कौन करवा एठी आमर आसला कौन 23 आसला 25 रु 2 माइनस करदे के 23 आस 23 सहित तो आम 2 रो स्क्वायर जोटा कि हूँ 4 तो 4 न लिखिकी आम कौन करवा 04 लिखा ठीक अच्छे आमको दुईटा आमको डिजिट लिखा पड़ो जेहेतु ये गोटे डिजिट आस तो से आगे आम गोटे कौन कले जीरो लगेदे सो यहाँ हो गला आमर कौन ये यार स्क्वायर कहार स्क्वायर ना 48 रो स्क्वायर सो देखो 2304 आम कौर काढ़ ट्रिक्रु काढ़ मल्टीप्लाय करके काढ़ी के 2304 दुईटा जाक सामान आसला कि नहीं सामान आसला बुझी आसला समस्त को पुणी थर कौ ट्रिक आमर केमती हूँ देखू आमको जो संख्याटा दिहब ठीक अच्छे जेहेतु आम 25 रु नहीं 50 भितर देखुं तो से आम जाणीगले कौन संख्याटा 50 रु कम अच्छी तो आम देखा कि से संख्याटा 50 रु के कम अच्छी तो देखो केत कम अच्छे टू कम अच्छी कि नहीं टू कम अच्छी टू कम अच्छी मानने आम कौन करवा 25 रु 2 माइनस करवा 50 रु नुहे 25 रु माइनस करवा जी कम होती माइनस करदे सो 25 रु जेहेतु देखो 50 रु जेहेतु यहाँ 2 कम अच्छी तो 25 रु 2 माइनस करदे के 23 आसूसी कि नहीं 23 आसपे ये जो संख्याटा दिखाई कम जी कम अच्छी तार स्क्वायर कर दिंतु तार स्क्वायर करदे के 4 आसि जेहेतु आमको दुईटा संख्या लिखा पड़ो तो से आम 4 न लिखिकी कौन लिखिले 04 लिखिले सो यहाँ हो गला यार आंसर 2304 ठीक अच्छे तो आम आउ गोटे एग्जाम्पल नहीं देखा यहाँ हो गला फर्स्ट एग्जाम्पल बर्तमान मुझे आउ गोटे एग्जाम्पल नौ सपोज करूँ मुझे सेकेंड एग्जाम्पल ने 43 कौन नी 43 तो बर्तमान मत 43 रो स्क्वायर काढ़िया को पड़ो सो 43 इंटु 43 सो 43 इंटु 43 फर्स्ट मल्टीप्लाई करदे ट्रिक को देखा देखो 3 3 ज 9 4 3 ज 12 4 3 ज 12 12 रु 2 4 4 ज 16 17 सो 9 4 8 1 सो 1 8 4 9 एटा होची कौन एटा होची 43 रो स्क्वायर एटा हमें मल्टीप्लाई करके पाइले ठीक ना नहीं बर्तमान आम ट्रिक देखा कि ट्रिक्रे आम कम करुच्छी कि नाई सो देखो 43टा जो अच्छी 43टा आमको कौन देखा पड़ो ये 43टा 50 रु कम अच्छी तो 50 रु के कम अच्छी केम अच्छी तो देखो 43टा 50 रु 7 कम अच्छी केम अच्छी 7 कम अच्छी कि नहीं 7 कम अच्छी ता मैंने आम 25 रु भी 7 माइनस करदे तो 25 रु 7 माइनस करदे के 18 आस 18 पाईगले कि नहीं 18 पाईगले 7 रो स्क्वायर कर दिंतु 7 रो स्क्वायर होची 49 तो ये दुईटा डिजिट अच्छी ताने आगे आमको आउ जीरो लगे पड़बन ठीक ना ना तो आम डायरेक्टली कौन करवा 7 रो स्क्वायर जो अच्छे 7 रो स्क्वायर को आम ये लिखिद दैट इज 49 बुझी आसला समस्त को सो देखो के आसला एनसर 1 8 4 9 एटी मल्टीप्लाय करते के 1 8 4 9 सो यहाँ हो यार आंसर बुझी आसला कि नहीं सो एमती आमको कौन करार अच्छे ना 25 रु 50 भितर जिते भी संख्या दिहब तार आम स्क्वायर काढ़ सो आउ गोटे आम क्वेश्चन नहीं कि देखा कि से क्वेश्चन ये ट्रिकटा कम करुच्छी कि नहीं ओके तो थर्ड मु गोटे नंबर नौ सपोज नंबर नेली 42 ओके 42 रो स्क्वायर काढ़ सो 42 इंटु 42 करके आम देखा ठीक अच्छे 42 रो स्क्वायर के देखो 42 इंटु 42 2 2 ज 4
फोर टू जै एट, फोर टू जै एट, फोर फोर जै सिक्सटीन, फोर एट एट सिक्सटीन सेवेन्टीन, वन सेवेन सिक्स फोर। सो एटा होची यार कौन, एटा होची यार वर्ग बा स्क्वायर कोई परबा। 42 रो स्क्वायर केते आसला 1764। वर्तमान ट्रिक लगे बा, ट्रिक कौन कहूँ देखो, 42 टा 50 रु केते कम अच्छी, 50 रु केते कम अच्छी, केते कम अच्छी। तो देखो 42 टा 50 रु केते कम, 42 टा 50 रु 8 कम, ठीक ना नहीं। ता माने आमे कौन करबा, वर्तमान 25 रु 8 को माइनस कर देबा। तो 25 रु 8 माइनस करले केते आछी, 17 आछी कि नहीं, 17 आछी। वर्तमान 8 रो स्क्वायर कर देबा, ठीक अछि। 8 रो स्क्वायर केते आसीबो, 8 रो स्क्वायर आसीबो 64। सो 1764, 1764 आसीला कि नहीं, आसीला। सो 2 सेकंड रे आमे आंसर काढी परिबा ना नहीं, आंसर आमे काढी परिबा, ठीक अछि। आमको खाली लिखियार अच्छी केते कम अच्छी, से 25 रु माइनस कर दिंतु, आ जोटा कम हो तार स्क्वायर करके लिखि दिंतु। तो यहाँ होगा आंसर, ओके। तापर मु आपण मानको आउ किछि वर्तमान एग्जांपल दउची। तो एटा आपण मानको सिखेली ट्रिक, वर्तमान आमे एग्जांपल देखिबा, ओके। ढेर सारा आमे वर्तमान क्वेश्चन करिबा, ओके। देखंतु एग्जांपल्स किछि प्रैक्टिस करिबा, 25 रु नै कि 50 भितरे, ओके। 25 रु नै कि 50 भितरे आमे जे कोनोसी गोटे सपोज करंतु नंबर मु चूज करूची, फॉर एग्जांपल 41, ओके। 41 तापर आमे तळकु तळकु भी जीवा, 30 रु भी आसीबा, ओके। सो 41 रो स्क्वायर मते दरकार, सो 41 रो वर्तमान मु स्क्वायर काढी भी। देखंतु मु एटा मुहे मुहे काढी भी, ठीक अछि। आ कॉपी पेन मते दरकार नै कि मु मल्टीप्लाई भी आउ करू नाही, ठीक अछि। देखंतु आमे जानि गेले ट्रिक हमरो काम करू छी, सो आमे वर्तमान डायरेक्टली सॉल्व करबा, ठीक। देखंतु 41 रो स्क्वायर, सो आमे देखिबा कि 41 टा 50 रो केते कम अछि, 41 टा 50 रो नो कम अछि कि नै, नो कम अछि। ता माने आमे कोन करबा, 25 रु 9 माइनस कर देबा, 25 रु 9 माइनस कर देले केते आछि, 16 आछि। सो एटी 16 लिखि दियंतु। तापर 9 रो स्क्वायर केते हिजबो, 81 हिजबो। तो 1681 हे गेलै यार स्क्वायर, बुझि आसिले कि नहीं। सो बहुत सिंपल रही, ओके। 1681 हे गेलै यार स्क्वायर, जोटा कि होछि 41 रो स्क्वायर, क्लियर। तापर आउ गोटे एग्जांपल्स को जीवा, एग्जांपल्स नंबर 2। एग्जांपल्स नंबर 2 रे सपोज करंतु मु गोटे संख्या लिखिली 38, ठीक अछि 38। सो 38 रो आमे स्क्वायर काढिबा, 38 रो स्क्वायर केते हबो देखंतु। फर्स्ट ऑफ ऑल देखंतु कि 38 टा 50 रो केते कम अछि, 38 टा 50 रो जदि आमे देखिबा, 38 टा होछि 50 रो 12 कम, ठीक ना नै, केते कम 50 रो 12 कम। सो ताहले 12 कोठु माइनस करिबा, 25 रु माइनस करिबा कि 50 रु माइनस करिबा, 25 रु माइनस करिबा। तो जदि आमे 25 रु जदि आमे 12 माइनस करिबा ताहले केते आसीबो, 13 आसीबो। सो एठी आमे पाइ गले 13, ओके। माइनस तो आमे मुहे मुहे करि परिबा, ठीक अछि। 25 माइनस 12 13। तापर देखंतु नेक्स्ट होची 12 कम अछि, तो 12 रो स्क्वायर, सो 12 रो स्क्वायर केते हेजबो, 144। सो एठी आपण माने लिखि देबे 144, एठी हेजबो आंसर फुल, ठीक अछि। कहीं ना मुझे कि आमको लास्ट रे दीटा डिजिट दरकार, दीटा डिजिट, एटी तो तीन टा डिजिट हो गला। सो तीन टा डिजिट आम जो डायरेक्टली लिखिदबा ताहले भूल हो, तो आम ये कौन करवा, तीन टा डिजिट जो अच्छी, तीन टा डिजिट आम न लिखिकी 144 लिखा। तो ये जो वन टा रही है, वन टा 3 सहित एड हो, तो एड हो गला आमको केते मिले, 1444, ठीक अच्छे 1444। सो यहाँ हो गला यार आंसर, क्लीयर हो गला समस्त को, कि जेतेबेले आमरो गोटे डिजिट आसीबो सेतेबेले आमे जीरो लगे के लिखिबा, जेतेबेले दीटा डिजिट आसीबो सेतेबेले आमे डायरेक्ट लिखि दबा, जेमते 64 आसतुला। सिमिलरली जेतेबेले तीनटा डिजिट आसीबो, तो सेतेबेले कोन हबो, ई जो आगो डिजिटटा रहिची एठी एड हेजबो। तो एड हे गले आमको कोन मिलबो, एड हे गले आमको आंसर मिलिजबो, ठीक अछि। बुझि आसला समस्तनकु। सो 2 डिजिट पई आमे कोन करबा, 0 1 डिजिट पई कोन करबा, 3 डिजिट पई कोन करबा। तापर आसंतु सेकंड एग्जांपल देखिले, थर्ड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल को आसंतु। थर्ड एग्जांपल सपोज करंतु मु आउ गोटे नंबर नउची 37, ठीक अछि 37। सो 37 रो स्क्वायर काढिबा, वर्तमान देखंतु मु ट्रिक तो सिखै देली, 3 डिजिट असले कोन करबा। सो देखंतु 37 टा 50 रो केते कम, 13 कम। सो 25 रो आमे कोन करबा, 13 माइनस कर दबा, 13 माइनस कर देले केते आसीबो, 12 आसीबो। सो एठी आमे पाइ गेले 12, ठीक अछि। तापर होची 13, 13 रो स्क्वायर केते होची 169। सो एठी आपण माने लेखंतु 169 प्लस कर दियंतु 9631।
सो 1369 ହେଇଗଲା କ'ଣ 37 ର ସ୍କୋୟାର। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଆମକୁ ବେଶୀ ଦିମାଗ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲେ କି ଡାଇରେକ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ କଲେ ଆନ୍ସର ବାହାର କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ଫୋର୍ଥ। ଫୋର୍ଥ ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି କି 36, 36 ର ସ୍କୋୟାର କାଢ଼ିବ। 36 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, 36ଟା 50ରୁ କେତେ କମ୍, 14 କମ୍, ତ 25ରୁ 14 ମାଇନସ୍ କରିଦିଅ, କେତେ ଆସୁଛି 11 ଆସୁଛି। ବୁଝି ଆସିଲେ କି ନାହିଁ? 14ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଉଛି, 14ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 196, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 1ରୁ ନେଇକି 25 ଭିତରେ, ଏଇଠି ଆମର କାମରେ ଆସିବ। ତ ୟାର ଆନ୍ସର ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 6921। ସୋ 1296 ହେଇଗଲା 36ର ସ୍କୋୟାର। ବୁଝି ଆସିଲା କି ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ 32ର ସ୍କୋୟାର କାଢ଼ିବା। କାହାର ସ୍କୋୟାର କାଢ଼ିବା, 32ର ସ୍କୋୟାର କାଢ଼ିବା। ଠିକ୍, ତ 32ର ସ୍କୋୟାର, ତ 32ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କି 32ଟା 50ରୁ କେତେ କମ୍, 32ଟା 50ରୁ 18 କମ୍, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ସୋ 25ରୁ 18 ମାଇନସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, 25 ମାଇନସ୍ 18 କେତେ ହେଇଯିବ, 7 ହେଇଯିବ। ସୋ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି 7 ଲେଖିବା, ଏଠି ଆଉ 07 ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି 7 ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 18ର ସ୍କୋୟାର କେତେ, 18ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 324। ତ 324ରେ ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ଡିଜିଟ୍ ଅଛି, ସୋ ଆମେ 3କୁ 7 ତଳେ ଲେଖିବା ଆଉ 24କୁ ଏମିତି ଲେଖିବା, ତାପରେ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ତ ଆଡ୍ କରିଦେଲେ କେତେ ଆସିବ, 4 2 7 3 7 3 କେତେ ହେଇଗଲା, 10 ହେଇଗଲା। ସୋ 1024 ହେଇଗଲା 32ର ସ୍କୋୟାର। ଓକେ, ବୁଝି ଆସିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ 32ର ସ୍କୋୟାର ମୁଁ କେମିତି କାଢ଼ିଲି? ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏତେ ସାରା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କରାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମୁଲାଟା, ମେଥଡ଼ଟା ଆପଣମାନେ ହେବିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ଯେତେବେଳେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବ ସେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ 29ର ସ୍କୋୟାର କାଢ଼ିବା। 29ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କି 29ଟା 50ରୁ କେତେ କମ୍, 29ଟା 50ରୁ ହେଉଛି, 29ଟା 50ରୁ କେତେ କମ୍, 21 କମ୍, କେତେ କମ୍, 21 କମ୍। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 25ରୁ 21 ମାଇନସ୍ କରିଦେବା। 25ରୁ 21 ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ କେତେ ଆସିବ, 25ରୁ 21 ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ 4 ଆସିବ। କେତେ ଆସିବ, 4 ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 21ର ସ୍କୋୟାର କେତେ, 21ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 441। ଠିକ୍ ଅଛି, 441, ତ 441କୁ ଏମିତି ଲେଖିବା। ଯେହେତୁ 3 ଡିଜିଟ୍ ଅଛି, ସୋ 4 ତଳେ 4 ଆସିଯିବ, ତାପରେ 41 ଏପଟ ସାଇଡ଼କୁ ଆସିଯିବ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼୍ କରିଦିଅ, ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ କେତେ ଆସୁଛି, 148। ସୋ 841 ହେଇଗଲା କାହାର ସ୍କୋୟାର, 29ର ସ୍କୋୟାର। ମନେ ରଖିବା ଦରକାର କି, ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମକୁ 1ରୁ ନେଇକି 25 ଭିତରେ ମନେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର 25ରୁ 50 ଭିତରେ କାଢ଼ି ପାରିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଉଛି। ସପୋଜ୍ 27ର ସ୍କୋୟାର, 27ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ, 27ଟା 50ରୁ କେତେ କମ୍, 27ଟା 50ରୁ 23 କମ୍, କେତେ କମ୍, 23 କମ୍। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 23 ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା କେଉଁଥିରୁ, 25ରୁ, 25ରୁ ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ଆସିବ, 2 ଆସିବ। ତାପରେ 23ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଉଛି, 23ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 529, ତ ଆଡ଼୍ କରିଦିଅ 529, ତ 5ଟାକୁ 2 ସହିତ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ କେତେ ଆସୁଛି, 729। ସୋ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କାହାର ସ୍କୋୟାର, ଏଇଟା ହେଇଗଲା 27ର ସ୍କୋୟାର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ କାଢ଼ିବା କାହାର, 50ରୁ ନେଇକି 75 ଯାଇକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଆମେ 25ରୁ ନେଇକି 50 ଯାଇକି ଆମେ ସ୍କୋୟାର ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍କୋୟାର ଅଫ୍ ନମ୍ବର, ସ୍କୋୟାର ଅଫ୍ ନମ୍ବର ବିଟୱିନ୍ 50 to 75। 50ରୁ ନେଇକି 75 ଭିତରେ ଯେତିକି ବି ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କାଢ଼ିବା, ବର୍ଗ କାଢ଼ିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍କୋୟାର କାଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ୟା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଟ୍ରିକ୍ଟା ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଯେମିତି ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଲି 51, ଠିକ୍ ଅଛି, 51ର ସ୍କୋୟାର କାଢ଼ିବି। ସୋ 51ର ସ୍କୋୟାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ, 51 × 51, ୟାକୁ ମୁଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି କାଢ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 51କୁ 51 ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି ସେତେବେଳେ କେତେ ଆସିବ, 1 1 ଯେ 1 1 5 ଯେ 5 5 5 ଯେ 5 5 5 ଯେ 25। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା 1 5 5 10 6 2, ତ 2 6 0 1, ଏଇଟା ହେଇଗଲା କାହାର ସ୍କୋୟାର, ନା ଏଇଟା ହେଇଗଲା 51ର ସ୍କୋୟାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 51ର ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ସ୍କୋୟାର ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, 51ର ସ୍କୋୟାର
तो आम ये देखा ये जो 51 टा अच्छी 51 टा 50 रु अधिक अच्छे ना कम अच्छे देखो आम जो देखुले कि जो गुड़ाक 25 रु नहीं कि 50 भितर थी सेठी आम कौन देखुले से 50 रु के कम अच्छे इटे आम देखा कि संख्याटा 50 रु के अधिक अच्छी कौन देखा 50 रु के अधिक अच्छी 50 रु के अधिक अच्छी ठीक अच्छे सो ये कैसे अधिक अच्छी वन अधिक अच्छी कि नहीं वन अधिक अच्छी ठीक अच्छे वन अधिक अच्छी तो वन अधिक अच्छी माने आम कौन करवा 25 रे आम वन एड करदे जिते कि अधिक थी से आम एड करवा क्या सहित 25 सहित एड करवा से कौन होता कम होता से आम 25 रु माइनस करुले एटी कौन हो अधिक होती आम 25 रे कौन कर वन एड करवा तो 25 रे वन एड करदे के 26 हो जाए सो ये आम पाईगले 26 बर्तमान वन रो स्क्वायर के वन रो स्क्वायर होन हो बट वन हो गोटे डिजिटर नंबर तो से आगे आम गोटे जीरो लगेद तो जीरो वन हो वन रो स्क्वायर सो ये आम कौन लिखा जीरो वन ठीक अच्छे सो देखो यार स्क्वायर के 2601 एटी आम पाइले के 2601 ठीक अच्छे सो दुटा जाक सेम है कि नहीं सेम है ठीक सो ए टाइप रो आम आउ गोटे एग्जाम्पल देखा ठीक अच्छे सपोज करूँ मुझे कहली कि मत दरकार सपोज 56 रो स्क्वायर दरकार कहार स्क्वायर दरकार 56 रो स्क्वायर सो ये मुझे कौन करी 56 इंटू 56 करी ठीक ना नहीं सो बर्तमान मुझे मल्टीप्लाई करी 56 इंटू 56 सो 6 जो 36 6 5 जो 30 तो ये आमर कौन 33 तो ये 30 30 रु 3 25 8 आसीगला सो 6 3 8 3 जो 11 ये आसीगला 3 ठीक अच्छे सो 3136 हूँ 56 रो स्क्वायर बुझी आसा कि नहीं 56 रो स्क्वायर के 3136 तो वर्तमान याकु आमे ट्रिक माध्यम रे सॉल्व करिबा कि 56 रो स्क्वायर केते आसुची सो 56 रो स्क्वायर सो 56 टा 50 रो अधिक अछि ने कम अछि देखंतु 50 रो अधिक अछि सो आमे देखिबा एटा 50 रो केते अधिक अछि 50 रो केते अधिक अछि ठीक अछि सो देखंतु एटा 50 रो केते अधिक अछि 6 अधिक अछि कि नै 6 अधिक अछि ता माने एठी आमे कोन करिबा 25 रे 6 ऐड करिबा कोथरे ऐड करिबा 25 रे ऐड करिबा तो 25 रे ऐड करले केते हिजबो देखंथु 31 हिजबो सो 31 आसी गला 6 रो स्क्वायर केते हिजबो 6 रो स्क्वायर हिजबो 36 सो 31 36 ओके 3136 एठी भी देखंथु 3136 समान आसीला ना नहीं समान आसीला सो एटा हिजबो यारो 56 रो स्क्वायर तापर आसंतु नेक्स्ट आउ गोटे मु एग्जांपल दउची फॉर एग्जांपल आमे नेले 62 ठीक अच्छे 62 रो स्क्वायर के 62 इंटू 62 या जदि आम मल्टीप्लाई करके देखा के देखो 62 इंटू 62 2 2 जा 4 6 2 जा होगा 12 6 2 जा 12 रु 1 36 37 सो 4 4 8 3 ठीक अच्छे सो 3 8 4 4 होगा कौन 62 रो स्क्वायर होगा ठीक अच्छे 3 8 4 4 बर्तमान ट्रिक यूज करवा एंड 62 रो स्क्वायर काढ़ देखो ये 50 रु के अधिक अच्छी 50 रु के अधिक अच्छी सो सेम कनसेप्ट देखो 50 रु के अधिक अच्छे 62 12 अधिक अच्छी कि नहीं 12 अधिक अच्छे सो ये आम कौन करवा 25 रे 12 एड करदे तो 25 रे 12 एड करदे के 37 तो 37 पाईगले कि नहीं 37 पाईगले बर्तमान 12 रो स्क्वायर के 12 रो स्क्वायर होती 144 सो ये जदि आम 144 लिखिदा भूल हो कहीं मुझे स्क्वायर में कही आमको कतोटी डिजिट दरकार 2 डिजिट दरकार 2 डिजिट मीनस आम कौन करवा 144 को आम कमी लिखा 144 को आम एमती लिखा 144 लिखा जेहेतु 3 डिजिट अच्छी एमती लिखा तापर या सहित तो एड करदे एड करदे के 4 4 7 1 जे 8 होगा ओके एंड एटी आसीगला 3 तो 3 8 4 4 एटी भी देखो 3 8 4 4 सामान आसे कि नहीं सामान आसे सो एटी ताल आम कौन जाणिले एटी आम जाणिले कि जितेबाला आमको वन डिजिट रिलूँ से आम कौन करवा आगे जीरो लगे लिखा जितेबाला 2 डिजिट रिलो से डायरेक्टली लिखिद जितेबाला 3 डिजिट रसो से आम तले लिखा एंड जो आपण मानकर 3 डिजिटा थी ओके थर्ड नंबरटा थी से या सहित तो कौन होड हो ठीक अच्छे सो एमती आम कौन कर 50 रु नहीं कि 75 भितर जेकोसी संख्या दिखाई थोड़ा तार आम स्क्वायर को फाइंड कर इजिली बाय यूजिंग दिस ट्रिक ओके तो बर्तमान एग्जांपल्स देखा जेकोसी आम गोटे एग्जांपल्स चूज करवा 50 रु नहीं कि 75 भितर ठीक अच्छे फॉर एग्जांपल मुझे चूज कली कि 58
ठीक अच्छे 58 रो स्क्वायर सो देखो तो 58 50 रू के अधिक अच्छे 8 अधिक अच्छे कि नहीं 50 रू 8 अधिक अच्छे सो दैट मीन्स आम कौन कर 25 रे 8 ऐड कर दबा 25 रे 8 ऐड कर देले केते जाउ छी 33 हो जाउ छी कि नहीं 33 हो जाउ छी वर्तमान 8 रो स्क्वायर केते हो छी 8 रो स्क्वायर हो छी 64 सो 3364 हे गेला यार स्क्वायर ठीक अच्छे सो हम को कॉपी पेन भी आउ दरकार पड़िबो नहीं ठीक अच्छे मुहे मुहे आम आंसर कर दबा सिमिलरली मु कहली 54 54 रो स्क्वायर केते हो देखंतु 54 टा 50 रो केते अधिक अछि 4 अधिक अछि कि नहीं 4 अधिक अछि तो आमे कोन करबा आमे 25 रे 4 ऐड कर दो 25 रे 4 ऐड कर देले केते होछि 29 हि जाउछि 4 रो स्क्वायर केते होछि 16 होछि सो 2916 से गला 54 रो स्क्वायर क्लियर तापर आसियंतु नेक्स्ट सपोज 55 रो स्क्वायर हमकु जानिबार अछि सो आपण माने जानिथबे 5 रो जेतेबेले थाए सेटी कोन करा जाय 5 कु तारो गोटे आगो नंबर सहित मल्टीप्लाई करा जाय सो 30 एंड 5 रो स्क्वायर हे गला 25 सो 3025 आसीबो बट आमे ट्रिक यूज करके सॉल्व करबा ठीक अछि देखंतु 55 टा 50 रु केते अधिक 5 अधिक कि नहीं 5 अधिक तो आमे कोन करबा 25 सहित 5 ऐड कर दबा तो केते आसीबो 30 आसीबो तापर देखंतु 5 अधिक ता माने 5 रो स्क्वायर केते हेबो 25 हेबो तो 3025 3025 हे गेला 55 रो स्क्वायर बुझि आसिला सेम टू सेम सपोज करंतु मु 65 नेली 65 रो स्क्वायर काढबी सो 65 रो स्क्वायर केते आसीबो देखंतु 65 टा 50 रु केते अधिक 15 अधिक सो देखंतु 25 रे आमे कोन करबा 15 ऐड कर दबा ऐड कर देले केते आसीबो 40 आसीलो आसीगला कि नहीं 40 आसीगला वर्तमान देखंतु 15 रो स्क्वायर केते होची 15 रो स्क्वायर होची 225 ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ 15 ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି କେତେ 225 ୟାକୁ ଆଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ଆସିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ 5224 ତ 4225 ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ 4225 ହେଇଯିବ କ'ଣ 65 ର ସ୍କୋୟାର ବୁଝି ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓକେ ସୋ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ହେବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମକୁ ସ୍କୋୟାର ଫାଇଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସିମିଲାରଲି ମୁଁ ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି ଫିଫ୍ଥ ନମ୍ବର 71 71 ର ସ୍କୋୟାର କାଢ଼ିବି तो 71 टा 50 रु केते अधिक 71 टा 50 रु 21 अधिक 21 अधिक ठीक अछि सो हमें कोन करबा 25 रे 21 ऐड कर दबा तो केते केते मिलबा हमको 25 रे 21 ऐड कर देले 46 मिलबो ठीक अछि 25 रे 21 ऐड कर देले 46 मिलबो तापर 21 रो स्क्वायर केते होछि 21 रो स्क्वायर होछि 441 तो या सहित ऐड कर दंतु सो 1446 जे हे गला 10 तो एठी आसी जबो 1 तो 5041 तो एटा हे गला कोन ना एटा हे गला 71 रो स्क्वायर ठीक अच्छे सो आमको आउ किसी मन रखा दरकार नहीं ठीक डायरेक्टली ट्रिक यूज करूँ फाइंड करूँ सपोज मुझ 72 रो स्क्वायर काढ़ी 72 रो स्क्वायर के देखते 22 अधिक अच्छे ताने 25 रे 22 ऐड कर करदे 47 हो गला 22 रो स्क्वायर के 22 रो स्क्वायर हो 484 ऐड कर करदे के आसो 48 सात चार एगार रु एक होगा ये आसीगला के 415 तो 5184 हो 72 रो स्क्वायर ठीक अच्छे सो सिमिलरली आमको 50 रु नहीं कि 75 भितर जेकोसी संख्या दिखाई थोड़ा ये ट्रिक को यूज करके आम कौन कर तार स्क्वायर इजिली फाइंड करपर जा नेक्स्ट ट्रिक को नेक्स्ट ट्रिक हूँ आमर कौन नेक्स्ट ट्रिक हूँ स्क्वायर फॉर द नंबर स्क्वायर ऑफ नंबर स्क्वायर ऑफ नंबर बिटवीन 75 टू 100 75 रु नहीं कि 100 भितर जेकोसी संख्या रही तार आम बर्तमान कौन कर स्क्वायर फाइंड करवा तो तार आम के इजिली स्क्वायर पाई देखो जो आम 25 रु नहीं कि 50 50 रु नहीं कि 75 भितर करूँ ताकि डिफरेन्ट अच्छे ये जिन मन रखा पड़ो कौन मन रखा पड़ो जमी सपोज करूँ मुझे संख्या नेली फॉर एग्जांपल मुझे नेली 76 76 रो स्क्वायर मत दरकार फर्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे मल्टीप्लाई करके देखुची कि यार वैल्यू केते आसुची ठीक अच्छे सो 76 इंटू 76 केते आसीबो 636 रु 6 हाथ गला 3 742 42 3 होगा 45 742 रु 2 हाथ गला 4 700 49 4 केते होगा 49 4 होगा 53 सो 6775 सो 5776 होगा कौन यार स्क्वायर होगा बुझी आसला कि नहीं सो यहाँ आम मल्टीप्लाई करके काढ़े बर्तमान आम ट्रिक यूज करवा ट्रिक कौन देखो ये 76 रो स्क्वायर सो आम देखा कौन ये जो 76 दिखाई ठीक अच्छे यहाँ देखो यहाँ 50 रु अधिक ना कम 50 रु अधिक ठीक सो ये आम 50 को नवानी ये आम क्या नवा ये आम नवा 100 को नवा क्या 100 को नवा 100
रु आम एटी कौन करवा माइनस करवा तो ये आम देखा कौन जिते बड़े आमको 75 रु 100 भितर देदेव से आम आ 50 को नवानी से आम ने क्या को 100 को नवा सो ये आम देखा कि 100 रु के कम अच्छे कौन देखा 100 रु के कम अच्छे सो देखो 100 रु 76 टा के कम 100 रु 76 टा हूँ 24 कम केते कम अच्छे 24 कम अच्छी तो ये जो 24 टा अच्छी तो 24 को आम क्या ठार् माइनस करवा बर्तमान देखो 25 रु तो आम करनी आउ 100 रु भी आम करवा ना तो कौथर करवा जो संख्याटा दिखाई थोड़ा से ही संख्यार ही आम माइनस करदे तो आमको दिखाई के 76 दिखाई 76 रु 24 माइनस कर दिंतु तो के 76 रु 24 माइनस करदे 2 आसीज एटी आसीज 5 तो 52 आसीगला कि नहीं 52 आसीगला बर्तमान 24 रो स्क्वायर के 24 रो स्क्वायर हूँ 576 ये जिनसटा आम जाने सो ये 3 डिजिट अच्छे सो 3 डिजिट न लिखिक आम कौन करें तले लिखा ठीक अच्छे तले लिखे कौन एडिशन हो 576 एड कर दिंतु 6 7 5 2 7 ये आसीगला 5 सो 5 7 7 6 5 7 7 6 आसीगला कि नहीं सो दुटा जाक सामान होगा बर्तमान आम आउ गोटे नंबर्स नवा जार कि आम कौन करवा स्क्वायर फाइंड करवा ठीक अच्छे आउ गोटे नंबर नवा तार आम स्क्वायर फाइंड करवा सोटा हो गला फर्स्ट एग्जांपल जोटा कि आम 3 डिजिट र देखिले जो 3 डिजिट आसतबाला आम कौन करवा ठीक अच्छे बर्तमान आम सेकेंड गोटे नंबर नवा सपोज मुझे 98 98 रक्वयर काढ़ी सो 98 रक्वयर के 98 इंटु 98 सो गोटे बहुत ही बड़ा आम नंबर नहीं 98 सो यार स्क्वायर फर्स्ट ऑफ़ ऑल आम मल्टीप्लाई करके देखा ठीक सो 8 8 जाए के 8 अष्टाई 64 64 रु 4 हाथ को गला 6 9 अष्टाई के गला 72 72 6 के 72 6 78 हो 9 अष्टाई 72 रु 2 हाथ को गला 7 9 9 81 7 के 81 7 हो गला 88 तो 4 8 2 जाए गला 10 8 7 15 रु 16 ये आसीगला के 8 1 9 तो 9 6 0 4 9 6 0 4 हूँ 98 रो स्क्वायर बुझी आसे कि नहीं 98 रो स्क्वायर के 9 6 0 4 बर्तमान आम कौन करवा ट्रिक यूज करवा 98 रो स्क्वायर फाइंड करवा देखो 98 रो स्क्वायर को आम कौन करवा देखा कि यहाँ 100 रु के कम अच्छे कौन रु देखा 100 रु कम के अच्छे तो 100 रु के कम अच्छे ना 100 रु यहाँ 2 कम अच्छे केम अच्छे 2 कम अच्छे तो आम बर्तमान 2टा माइनस करवा कौन माइनस करवा 98 रु माइनस करवा जो संख्याटा दिखाई थोड़ा से ही संख्यार ही माइनस करदे से आम 25 रु माइनस कर 25 एड करते ये आम जो संख्याटा दिखाई थोड़ा से ही संख्यार माइनस करवा सो दैट मीन 98 माइनस 2 के 96 आसीज बर्तमान देखो 2 र स्क्वायर के 2 र स्क्वायर हूँ 4 तो आमको 2टा डिजिट दरकार तो से 4 आगे कौन लगेदे गोटे 0 लगेदे तो यार वैल्यू के 04 हो ठीक अच्छे सो आंसर देखो 9 6 0 4 9 6 0 4 आसीगला कि नहीं तो ये टाइप आमको कौन करार अच्छे जो 75 रु नहीं कि 100 भितर जेकोसी संख्या दिखाई थोड़ा तार आम स्क्वायर फाइंड करवा तो ये जगह आम 100 रु देखा केम अच्छे जो संख्याटा दिखाई थोड़ा से ही संख्यार खाली माइनस करार अच्छे सो आउ गोटे एक्जामपल नहीं कि देखा आउ गोटे एक्जामपल सपोज करूँ मुझे ये नी 96 सो 96 रो स्क्वायर के देखो 96 रो स्क्वायर 96 इंटु 96 मल्टीप्लाई करके देखा फर्स्ट ऑफ़ ऑल 96 इंटू 96 तो देखो के 636 रु 6 हाथ को गला 3 954 3 हो गला 57 954 रु 4 हाथ को गला 5 981 5 हो गला 86 तो 6 7 4 11 रु 1 हाथ को गला 1 6 5 11 रु 12 रु 2 हाथ को गला 1 8 1 9 तो 9216 हो गला यार स्क्वायर 9216 बुझी आसे कि नहीं 9216 हो गला 96 रो स्क्वायर बर्तमान आम ट्रिक यूज करवा एंड यार स्क्वायर फाइंड करवा देखो 96 रो स्क्वायर तो आम देखा कि यहाँ 100 रु के अधिक 100 रु के कम अधिक तो नुहे कम तो कम के 4 कम अच्छी कि नहीं 4 कम अच्छी मैंने आम 4 माइनस करवा कौन 96 रु सो माइनस करूँ 96 माइनस 4 केते आसीगला 92 आसीगला बर्तमान 4 रो स्क्वायर के 4 रो स्क्वायर हो 16 सो 9216 एट देखो 9216 सो यहाँ होगा तेल कहार स्क्वायर ना यहाँ होगा 96 रो स्क्वायर बुझी आसे कि नहीं तो यही टाइप रे काढ़ा बर्तमान आम कि एग्जांपल्स देखा तो ये आम देखिले फर्स्ट 3 डिजिट पर देखिले 1 डिजिट पर 2 डिजिट सो मुझे तीनटा जाक आपको शिखेदी तो आम कौन कर बर्तमान जोसी संख्या दिखाई थोड़ा 1 रु नहीं कि 100 भितर कहीं 1 रु 25 तो आम मन रखीदे
ପଚିଶରୁ ନେଇକି ପଚାଶ ଶିଖିଯାଇଛେ, ପଚାଶରୁ ନେଇକି ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଶିଖିଯାଇଛେ, ଆଉ ଏଠି ଆମେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀରୁ ନେଇକି 100 ଭିତରେ ବି ଶିଖିଗଲେ। ତା ମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1ରୁ ନେଇକି 100 ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ସ୍କୋୟାର କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆଜିର ଏଇ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ଏଇଠି ଫିନିଶ୍ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଏଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଉପରେ ଦେଖିବା। ଠିକ୍, ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ନେଉଛି। ସପୋଜ୍ ମୋତେ 88ର ସ୍କୋୟାର ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ସୋ 88ଟା ମୁଁ ଦେଖିବି 100ରୁ କେତେ କମ୍ ଅଛି, 12 କମ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ 12 ମାଇନସ୍ କରିବି କେଉଁଥିରୁ, 88ରୁ ମାଇନସ୍ କରିବି। 88ରୁ ଯଦି ମୁଁ 12 ମାଇନସ୍ କରିଦେବି ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ, 76 ଆସିବ କି ନାହିଁ, 76 ଆସିବ, ବୁଝି ଆସିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 12ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଥାଏ, 12ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଥାଏ 144। ସୋ 144 ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଡିଜିଟ୍ ଆମକୁ ଦରକାର, ବଟ୍ ଏଠି ଅଛି 3 ଡିଜିଟ୍ସ, ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା। ତ ଆଡ୍ କଲେ କେତେ ଆସିବ, 4 4 7, ସରି 6 1 କେତେ ହେଇଗଲା, 7 ହେଇଗଲା, ଏଠି ଆସିଗଲା 7। ସୋ 7 7 4 4 ହେଇଗଲା 88ର ସ୍କୋୟାର। ତାପରେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ସପୋଜ୍ 92 ନେଲି, ଓକେ 92। ସୋ 92ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 100ରୁ କେତେ କମ୍, 8 କମ୍ କି ନାହିଁ। ସୋ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 92ରୁ 8 ମାଇନସ୍ କରିଦେବା। 92ରୁ 8 ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 92ରୁ 8 ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ 84। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ 8ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଯାଉଛି, 64। ସୋ 8 4 6 4 ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା 92ର ସ୍କୋୟାର, ବୁଝି ଆସିଲେ କି ନାହିଁ। ସୋ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଇଜିଲି ଫାଇଣ୍ଡ କଲେ, ଖାଲି ଦେଖିକି ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍। ଥାର୍ଡ଼ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ନେଲି 91ର ସ୍କୋୟାର। ତ 91ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ 91 କେତେ କମ୍, 100ରୁ 9 କମ୍। ସୋ 91ରୁ 9 ମାଇନସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, 91ରୁ 9 ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 91ରୁ 9 ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଆସିଯିବ 82। କେତେ ଆସିବ, 82 ଆସିବ, ବୁଝି ଆସିଲେ କି ନାହିଁ, 82 ଆସିଯିବ। ସୋ 82, ବର୍ତ୍ତମାନ 9ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି କେତେ, 9ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 81। ସୋ 82 81 ହେଇଗଲା 91ର ସ୍କୋୟାର, ବୁଝି ଆସିଲେ କି ନାହିଁ। ସୋ 91ର ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 8 2 8 1 ହେଇଗଲା ଏହାର ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଉଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନିଜେ। ଦେଖନ୍ତୁ 87, 87ର ସ୍କୋୟାର ହେବ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଓକେ, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ 87ର ସ୍କୋୟାର ଆମେ କାଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ଫାଇଣ୍ଡ କରିନେଇଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କରେକ୍ଟ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ସୋ ଏଇଟା 100ରୁ କେତେ କମ୍, 100ରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି 13 କମ୍। ସୋ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 87ରୁ 13 ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, 87ରୁ 13 ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ କେତେ ଆସିବ, 74। ବର୍ତ୍ତମାନ 13ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଯିବ, 169। ସୋ 169 ଆଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୋ 9 6 5 7, ତ 7 5 6 9 ହେଇଗଲା 87ର ସ୍କୋୟାର, ବୁଝି ଆସିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏଠି ଦେଲି ନେକ୍ସଟ ଭିରେ ଗୋଟେ 99, 99ର ସ୍କୋୟାର ଦେଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 100ରୁ କେତେ କମ୍, 100ରୁ 1 କମ୍, ତା ମାନେ 99ରୁ 1 ମାଇନସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, 98 ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, 98 ହେଇଗଲା। ଆଉ 1ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଥାଏ, 1 ହେଇଥାଏ 1 ଡିଜିଟ୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 01 ଲଗେଇଦେବା, ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 9801, 99ର ସ୍କୋୟାର। ସୋ ବହୁତ ସିମ୍ପଲରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ବହୁତ ଇଜିଲି ଆମେ ଯେକୌଣସି ନମ୍ବରରୁ ଆମେ ସ୍କୋୟାର ଫାଇଣ୍ଡ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଲେକ୍ଚରରେ ଆମେ ଯେତେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସଲ୍ଭ କଲେ, ଓକେ ଯେତେ ବି ଟ୍ରିକ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ଆସିଥିବ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବେ। ସୋ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଲେକ୍ଚରରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।